हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज वीक की खास चुनावी पेशकश यूपी किसकी में। आज यूपी की सियासी गलियों से क्या खबरें आई, किस नेता ने कौन सी पार्टी को छोड़ दिया और किस पार्टी का हाथ थाम लिया, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही यूपी की सियासत में क्या उलटफेर हो रहा है, क्या खलबली मची है, उस पर हम बात करेंगे। और एक के बाद एक लगातार सिलसिलेवार ढंग से यूपी की दिन भर की पॉलिटिकल अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच में मुलाकात हुई है। कुछ तस्वीरें सामने आई जिससे ये पता चला कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो लखनऊ में अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे। और वहां पर मुलाकात के बाद ये संकेत आ रहे हैं कि जल्द ही हो सकता है कि आज रात ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच में गठबंधन पर ऑफिशियल मुहर लग जाए और उनके बीच में जो गठबंधन होगा उसकी अनाउंसमेंट्स हो जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, कई बार वो मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर और गठबंधन में क्या भूमिका होगी इस सवाल पर पेच फंसा हुआ था। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने पिछले दिनों यूपी के अलग अलग छोटे बड़े दलों को साथ लिया है, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को भी कहें कि इस गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए कोशिशें हुई हैं और जल्द ही इस बात का ऐलान हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये आज की यूपी की एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो बीजेपी में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वहां से बीजेपी के मंत्री और विधायकों का जाना जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। योगी आदित्यनाथ अकेले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और आज जो है उनकी कैबिनेट के डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। वो आयुष मंत्री के पद पर काम कर रहे थे, आयुष मंत्रालय उनके पास था, लेकिन उन्होंने जो है ये कह दिया कि जो बीजेपी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो दलितों पिछड़ों आदिवासियों की हकमारी कर रही है और बहुत उन्होंने नुकसान किया है और वो अच्छी पार्टी नहीं है और उन्होंने लोगों का भला नहीं किया, इसलिए मैं पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ। और जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है उन्होंने इस पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस्तीफा देते हुए जो उन्होंने लेटर लिखा उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव ने एक तस्वीर साझा की जिसमें उन्होंने डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का स्वागत करते हुए लिखा है कि हम आने वाले दिनों में सरकार बनाएंगे और सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, ये उन्होंने कहा है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने जो है वो बड़ा बयान दिया है, आज एक बड़ा बयान उनके तरफ से सामने आया। उन्होंने कह दिया कि आने वाली 20 जनवरी तक रोजाना एक मंत्री और 3 से 4 विधायक जो हैं वो बीजेपी से इस्तीफा देंगे। जी हाँ, योगी के सहयोगी रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि आने वाली 20 जनवरी तक लगातार हर रोज एक मंत्री और 3 से 4 विधायक बीजेपी के इस्तीफा देंगे। तो बीजेपी में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है, खलबली मची हुई है। तो योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर आपको याद होगी जिसमें वो अकेले बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यही हाल होगा कि बाबा मुख्यमंत्री जो हैं वो कहीं अकेले ही बैठे ना दिखाई दें और अकेले ही वो फिर चुनाव में जाएं, क्योंकि उनके जो तमाम सहयोगी हैं खासकर जो दलित पिछड़े चेहरे हैं उनके पास, वो सब छोड़ छोड़ के वापस जा रहे हैं और बीजेपी के लिए ये मुश्किल का समय है। आपको बता दें कि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस्तीफा दे चुके हैं, कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो भी समाजवादी पार्टी में एक तरीके से शामिल हो चुके हैं। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, लेकिन उनके अलावा लगातार इस तरह की इस्तीफे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के अगले दिन ही उन पर एमपी एमएलए जो कोर्ट है उन्होंने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं जब पार्टी में था तो कोई इस तरह का वारंट नहीं आया, लेकिन छोड़ते ही इस तरह के वारंट आ गए, 8 साल पुराने केस में मुझे वारंट जारी हो गया। कितने ही वारंट आ जाए, कितना ही कुछ होता रहे, लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं और बीजेपी को हराऊंगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बहुत जबरदस्त एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने कह दिया है कि आरएसएस जो है वो नाग है, बीजेपी सांप है और इन सब का जो काल है वो स्वामी प्रसाद मौर्य नाम का नेवला है। ये ट्वीट जो है मौर्य ने कर दिया है कि जो ये नाग और सांप आरएसएस बीजेपी है, इसको नेवले की तरह, जिस तरह से नेवला सांप को जो है वो मार डालता है, उसको बहुत परेशान करता है, उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बीजेपी को कड़ा संकेत दे रहे हैं कि भले ही मेरे खिलाफ वारंट जारी हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी को नेवले की तरह मैं काट डालूंगा, इसको सांप की तरह जो है वो मैं मार डालूंगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक ट्वीट किया है।
तीसरी खबर जो है आज की यूपी की, वो भी बीजेपी से आई है। और बीजेपी में मैं अभी जो बता रहा था कि भगदड़ लगी हुई है लगातार, उसमें अभी जो है शिकोहाबाद से विधायक हैं बीजेपी के मुकेश वर्मा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और वो मुकेश वर्मा ने इस्तीफा देने के बाद मौर्य का रास्ता अपनाया है और समाजवादी पार्टी की तरफ वो जा रहे हैं। तो बीजेपी में एक के बाद एक मंत्री और विधायक जो हैं वो इस्तीफा दिए जा रहे हैं। जो चौथी खबर है आज की, जो यूपी से जो चौथी खबर आई है, वो भी बीजेपी से ही है और वो भी भगदड़ की खबर है। बीजेपी के ही विधायक हैं विनय शाक्य, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और पार्टी छोड़ते हुए ऐलान किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो हमारे नेता हैं और हम वही करेंगे जो वो कहेंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बीजेपी से जो हैं वो इस्तीफे देने वाले हैं। तो ये विधायक जो हैं इन्होंने भी, विनय शाक्य ने भी पार्टी छोड़ दी और वो अभी ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ को जो है अकेला छोड़ देंगे और वो दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हालात बन रहे हैं। मतलब चुनाव होने में चंद हफ्ते बचे हुए, उसी से पहले जो हैं लगातार एक के बाद एक मंत्री और विधायक, सिटिंग जो मंत्री विधायक हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगी, ये इसका हम लोगों को अंदाजा जरूर लग रहा है। क्योंकि इन लोगों के अलावा आपको बता दें कि बांदा के तिंदवारी से जो बीजेपी के विधायक थे बृजेश प्रजापति, और बिल्होर से भगवती सिंह सागर, ये भी बीजेपी के विधायक थे। तिलहर विधानसभा सीट से रोशन लाल वर्मा, ये भी इनके बीजेपी के विधायक, ये तीनों भी पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर बीजेपी को छोड़ देंगे। तो बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए खासकर बहुत मुश्किल वक्त है ये यूपी चुनाव के लिहाज से। तो ये बीजेपी की तरफ से आज के अपडेट थे। अब अगली खबर पर बढ़ते हैं कि आने जाने का सिलसिला सिर्फ बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं है, बल्कि जो दूसरी पार्टियों से आने वाले जो लोग हैं वो कहीं अलग पार्टी में भी जा रहे हैं। पांचवी खबर आई है कि जो बीएसपी अध्यक्ष मायावती हैं, उन्होंने कांग्रेस को और आरएलडी लोकदल को जबरदस्त झटका दिया है। मायावती ने सलमान सईद को, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और नोमान मसूद, जो कि आरएलडी के, उनको टिकट मिल चुकी थी, उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था, उनको बीएसपी में शामिल करा लिया है, उनको शामिल कर दिया है। और देर रात जो है मायावती की और इन नेताओं की जो है मीटिंग हुई, उसकी तस्वीरें सामने आई। और उसके बाद जो है बहन कुमारी मायावती ने आज ट्वीट किए और इस बारे में ऐलान किया। बीएसपी ने सलमान सईद को, बीएसपी ने जो है वो चरथावल विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, ऐलान कर दिया कि वो चरथावल विधानसभा सीट से सलमान सईद जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा नोमान मसूद जो हैं, जिन्हें आरएलडी ने गंगोह विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, बीएसपी ने अब उनको अपना उम्मीदवार गंगोह विधानसभा सीट से ही बनाया है। यानी कि आने वाले दिनों में जो नोमान मसूद हैं वो हैंडपंप के निशान पे नहीं बल्कि हाथी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो फेरबदल है, आधी रात में बहन जी ने जबरदस्त झटका दिया है। और आने वाले दिनों में भी इस तरह की और खबरें आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया है, उसी तरह से अब जो बसपा है वो भी अपना कुनबा बढ़ा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी तरफ चले गए हैं। तो आने वाले दिनों में इस बारे में और भी बड़ी खबरें सामने आने को मिल सकती हैं। छठी खबर मैं आपको बता दूं, छठी खबर आई है कि कांग्रेस ने आज 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है जो चुनाव लड़ेंगे। और इसमें 50 जो महिला उम्मीदवार हैं, उनमें जैसा कि कांग्रेस ने पहले ही अनाउंस किया था कि 40% जो टिकट हैं वो महिलाओं को देंगे, तो 50 जो नंबर महिला हैं वो इसमें उम्मीदवार बनाई गई हैं 125 में से। और इसमें बड़ी बात ये रही कि उन्नाव में जो रेप पीड़िता है, आपको याद होगा जो कुलदीप सिंह सेंगर का जो मामला आया था, बीजेपी के जो वहाँ के नेता थे उनके ऊपर आरोप लगा था रेप का, और फिर जो है जबरदस्त बवाल हुआ था इस खबर को लेकर। तो उन्नाव रेप की जो पीड़िता हैं उनकी मां को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है, और साथ ही जो एक आशा वर्कर हैं उनको भी टिकट जो है कांग्रेस ने दिया है। तो कांग्रेस ने इस तरह के कैंडिडेट को टिकट दिए हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये सब लोग विनिंग कैंडिडेट हैं, क्या कांग्रेस वाकई में जीतने के लिए लड़ रही है, या फिर वो जो है ये औपचारिकता भर निभा रही है, ये सवाल अपने आप में यहाँ पर खड़ा होता है।
सातवीं खबर आती है कि जो कांग्रेस है उन्होंने भले ही आज टिकट का ऐलान किया लेकिन उनके जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हापुड़ से कांग्रेस के विधायक गजराज सिंह ने आरएलडी ज्वाइन कर ली है। गजराज सिंह हापुड़ से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, चार बार विधायक रह चुके हैं, बड़ा कद उनका माना जाता है हापुड़ की राजनीति में। उन्होंने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया और जयंत चौधरी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया आरएलडी में, वो चले गए हैं। जयंत ने इस बारे में ट्विटर पर फोटो शेयर की है और उनका सम्मान करने की बात कही है और साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की बात जयंत चौधरी ने ट्विटर पर की है। तो गजराज का जाना कांग्रेस के लिए एक निश्चित तौर पर बड़ा झटका है और उनके सलमान सईद जो कांग्रेस से ही हैं वो मायावती की पार्टी में चले गए हैं और एक उनके जो हापुड़ से विधायक है वो भी चले गए हैं, तो कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा, साथ साथ बीजेपी को भी जबरदस्त झटके लग रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर आज दिन भर की पॉलिटिकल अपडेट थी और आज यूपी में क्या हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसी तरह से आपको मैं अभी रोजाना ऐसी खबरें जो भी पॉलिटिकल अपडेट्स होंगे वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा क्योंकि भागदौड़ में बहुत सारी ज़रूरी खबरें छूट जाती हैं, इसलिए हम खास एक बुलेटिन, चुनावी बुलेटिन आपके लिए लेकर आए हैं यूपी किसकी, जिसके जरिए हम दिन भर की पॉलिटिकल अपडेट्स पर खासकर यूपी चुनाव से जुड़ी हुई हर बारीक अपडेट, उसका विश्लेषण और उसके सियासी मायने और पर्दे के पीछे छुपी हुई खबर भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो अब आपको चुनाव से जुड़ी हुई अगर कोई खबर देखनी होगी तो न्यूज़वीक पर आपको जरूर मिलेगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएं। आज का ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।